नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए, आपको मालूम है कि बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहलवान कौन कौन होंगे, उम्मीदवार कौन कौन होंगे, इस सवाल को लेकर के जो सस्पेंस बना हुआ था, आखिरकार उस सस्पेंस से भी पर्दा उठ चुका है। पता चल चुका है कि एनडीए की तरफ से कौन कौन पहलवान होंगे, महागठबंधन की तरफ से कौन कौन पहलवान होंगे और प्रशांत किशोर के लड़ाके कौन कौन होंगे, इससे भी लगभग सस्पेंस का पर्दा उठ चुका है। देखिए, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आज प्रशांत किशोर भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर अपना आखिरी दांव चलने जा रहे, क्या कुछ कहेंगे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी होंगी। देखिए, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीसा भारती की भी। आपको मालूम है कि बीते दिन मीसा भारती ने भी बड़ा बयान दे दिया था और एक ऐसा बयान दे दिया था जिसके बाद से हंगामा मच गया था। देखिए, इस वीडियो में हम शराबबंदी की भी चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या वाकई में बिहार में खुलने जा रही है शराबबंदी, और अंत में इस वीडियो में जिक्र होगा पीपीएससी जीआरई 3.0 के रिजल्ट का। तो आज एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपको भी जी। रवि जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि उपचुनाव को लेकर के जो सस्पेंस बना हुआ था, लगभग उस सस्पेंस से पर्दा उठ चुका है, उम्मीदवार कौन कौन होंगे लगभग ये पता चल चुका है, इसको आप कैसे देखते हैं, कैसे डिकोड कीजिएगा इसको आप? देखिए, ये उपचुनाव 4 सीट पर है। बिल्कुल। और ये रामगढ़, इमामगंज, बेलागंज और तरारी। यह रामगढ़ बक्सर लोकसभा क्षेत्र में, और आपको इमामगंज जहानाबाद में, बेलागंज गया में और तरारी आरा में। तो ये आप इसको ऐसे भी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि इसमें से 2 सीट आरजेडी के पाले में थी। आरजेडी के ये कौन कौन सी सीट आरजेडी के पाले में है? जी, जी। रामगढ़ की सीट आरजेडी के पाले में। हाँ, हाँ। जो कि सुधाकर सिंह वहां से। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से आपको चलिए बेलागंज गया, वह जो सुरेंद्र यादव आरजेडी, वह एमपी बन गए दोनों, सुधाकर सिंह और सुरेंद्र यादव। और तरारी, तरारी जो है वह जो है सो सुदामा प्रसाद, सुदामा प्रसाद माले, भाकपा माले के, वह जो है सो वह एमपी हो गए। तो वो अब वो आरा से। बिल्कुल जी। अब जो है सो इमामगंज जहानाबाद जीतन राम माझी। बिल्कुल। तो ये एनडीए फोल्ड में, ये इंडिया ब्लॉक महागठबंधन में 3 सीट आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रही है। एक जो है सो महा एनडीए खाते में जो इमामगंज जीतन राम मांझी की जो सीट है इमामगंज वाली, तो ये 3 और 1, यही इस बार बड़ी चुनौती है एनडीए के पास कि आप जो आपके पास तो एक ही सीट है। बिल्कुल। कहने को इमामगंज वाली सीट, अब आपको 3 सीट आपको उनसे कब्जे से लूटना है, उनके कब्जे से अपने पाले में बदलाना है। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी के पास या एनडीए के पास, कह लीजिए नीतीश कुमार की पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, सबके पास में आपको यह एक बड़ी चुनौती है कि कैसे आप उधर से इधर लाइएगा। बिल्कुल। ये सिटिंग सीट है, तो इस लिहाज से कैसे कब्जा कीजिएगा, ये बड़ी चुनौती होने जा रही है, क्योंकि अब मैदान में प्रशांत किशोर की जन सुराज भी है। रवि जी, मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय होने जा रहा है। चलिए हम एक एक सीट की चर्चा करते हैं, शुरुआत करेंगे हम लोग बेलागंज से। हम चाहेंगे कि आप बताइए कि कौन कौन उम्मीदवार हैं बेलागंज। देखिए, बेलागंज से जो आरजेडी के उम्मीदवार महागठबंधन, हाँ, वो महागठबंधन के इंडिया ब्लॉक के, वह सुरेंद्र यादव के पुत्र डॉक्टर विश्वनाथ कुमार। बिल्कुल। ये आरजेडी से वहां पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, वही अधिकृत उम्मीदवार है। इसी तरह से मनोरमा देवी जेडीयू की एक्स एमएलसी है, वह जो है सो जेडीयू से
एनडीए से वहां पर उम्मीदवार होंगे, बिल्कुल है, बेलागंज से, और इसी तरह से जनसुराज से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन जी, जो प्रोफेसर खिलाफत हुसैन जो है सो मिर्जा गालिब कॉलेज जो गया में है उसमें वो मैथमेटिशियन थे, वो प्रोफेसर थे, गणितज्ञ थे, वही उनको जनसुराज ने, प्रशांत किशोर ने वहां से उम्मीदवार बनाया है और बेलागंज के अमराहा पंचायत के रहने वाले, बिल्कुल जी। तो ये और बड़ी बात है, वो पढ़े लिखे लोगों को वह इस बार बना रहा है। बेलागंज का समीकरण क्या कह रहा है रवि जी, क्या इशारा दे रहा है? बेलागंज में दो यादवों के बीच में सीधी लड़ाई है और इसमें जनसुराज में तड़का लगाने के लिए आ गए हैं एक मुस्लिम उम्मीदवार, यानी कि जनसुराज के कैंडिडेट। अब ये देखिए, मुस्लिम को लेकर के तो सब लोग दावा करता है कि मेरे पाले में है, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से वहां पर मनोरमा देवी एक से मिलती उम्मीदवार है, तो वो मुस्लिम के लिए तो वो लोग भी है, आरजेडी भी कहती है, तो ऐसे में जब प्रोफेसर खिलाफत हुसैन हो गए तो समझा जा सकता है कि किधर क्या वहां पर खेल होने जा रहा है, क्या खेल होने जा रहा है। चलिए अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं। अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है इमामगंज की सीट। इमामगंज में कौन कौन पहलवान है मैदान में? देखिए, इमामगंज में वही जीतन राम मांझी जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, और इमामगंज जो है सो उनका किला है, किला है, उस किले में घुसना, सेंधमारी करना यह निश्चित रूप से महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के लिए चुनौती होगी, वहां बड़ा चैलेंज निश्चित रूप से वो, और वहां पर इमामगंज से जीतन राम मांझी ने अपनी पुत्रवधू दीपा मांझी को उम्मीदवार बनाया, तो ये एक बड़ी बात है। और उतना ही नहीं, अब वहां पर अब जनसुराज भी वहां पर चर्चा है, मैंने उनको जनसुराज ने डॉक्टर जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाया है जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और बहुत उनकी सस्ते में इलाज करते हैं और जो अंतिम पायदान की बात जो बड़े बड़े नेता करते हैं मंच से, वह अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों का वह इलाज करते हैं, तो यह कहीं ना कहीं वह आपको यहाँ पर भी समीकरण, वहां पर जनसुराज के उम्मीदवार आपको डॉक्टर जितेंद्र पासवान खराब करते हुए दिखाई पड़ते हैं, बिगाड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अभी तक की जो बात आ रही है। महागठबंधन की तरफ से कौन? महागठबंधन के तरफ से वहां पर अब देखिए, वहां पर रोशन कुमार मांझी उर्फ राजेश मांझी हैं, वहां पर उम्मीदवार बनाए। कौन किसका खेल बिगाड़ रहा है रवि जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे। अब देखिए, ये सुरक्षित सीट है, बिल्कुल, तो सुरक्षित सीट में आप ये मांझी से, ये मांझी समाज से हैं राजेश कुमार मांझी, बिल्कुल, और दीपा मांझी जो है सो वो भी मांझी है, तो दोनों अब उसमें वोट का कटिंग होगा। और इधर पासवान, डॉक्टर जितेंद्र पासवान, तो ये पासवान की उस इलाके में, इमामगंज के इलाके में अच्छी पकड़ है और अच्छी खासी माने चर्चित नाम है, हाँ, चर्चित नाम है, वोटर है, तो यह जब इलाज करते हैं, चिकित्सा जगत से जुड़े हुए हैं, तो यह सब चीज से इतर होकर के किसको सुई लगाएंगे, किसको कौन सी कड़वी दवाई देंगे, अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए अब हम अगली सीट की चर्चा कर लेते हैं। तो अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो सीट है तरारी की सीट। क्या होने जा रहा है तरारी में? देखिए, तरारी में निश्चित रूप से भाकपा माले जी, भाकपा माले वहां से राजू यादव इस बार उम्मीदवार बनाने जा रहा है, क्योंकि वह तरारी में इस बार सुदामा प्रसाद वहां से एमपी हो गए, तो वह उनकी सीट है, तो वह भी माले से थे और इस बार भी राजू यादव को माले ने उम्मीदवार बना दिया है, यह एकदम ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी है तो। और उसके जगह पर भारतीय जनता पार्टी की उससे भिड़ंत होने जा रही है, वहां पर पूर्व विधायक आपको उनके पुत्र लड़ेंगे, विशाल प्रशांत जी, सुनील पांडे पूर्व विधायक के पुत्र हैं विशाल प्रशांत, वह लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको सैंपल सब दे करके टाइट कर दिया है, अब वही वहां पर अखाड़े में उतरेंगे, वही अखाड़े में उतरेंगे। और जनसुराज से कौन होगा उम्मीदवार, बड़ा क्वेश्चन मार्क। देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं हम कहेंगे जनसुराज का के जो प्रत्याशी थे, ऐसे प्रत्याशी तो बहुत बड़े अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह थे, लेकिन कहीं न कहीं जो झोल झाल दिखाई पड़ा वह कहीं ब्लंडर हो गया प्रशांत किशोर से, वही वहां पर बैकफुट पर वहां पर थोड़ा सा वो चले गए, यही स्ट्रेटजिकल मूव उनका गलत हो गया, यहाँ पर चूक गए प्रशांत, यहाँ पर प्रशांत किशोर चूक गए। तो ऐसे में तरारी में अब जो है सो जो दिखाई पड़ रहा है विशाल प्रशांत के लिए, सुनील पांडे जो पूर्व
एमएलए हैं, उनके पुत्र के लिए अब यहाँ पर वैसा कुछ टफ नहीं दिखाई पड़ रहा है, टफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अनलेस अब देखिए, लेकिन तब है कि यहाँ पर एक नाम की चर्चा है जनसुराज से, जनसुराज घनश्याम राय की बात कर रहे हैं, घनश्याम राय की बात कर रहे हैं कि घनश्याम राय को उम्मीदवार बनाया जाएगा, तो घनश्याम राय भी वहीं के हैं। बिल्कुल, तो वो निश्चित रूप से जब कौन किसको पटकता है आने वाला वक्त ही बताएगा। अब हम अगली सीट पर जाएंगे, अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है रामगढ़ की सीट। रामगढ़ में रवि जी क्या होने जा रहा है, क्या होगा, क्या कह रहा है समीकरण? देखिए रामगढ़ में वही होगा परिवार, अच्छा परिवार जो बराबर जी बोला जाता है, तो ऐसे तो सब जगह परिवार ही है, बिल्कुल चारों चुनाव में कमो तरारी में भी वही दिखा, तरारी इमामगंज में भी वही दिखा, वही जी बेलागंज में भी वही दिखा, बिल्कुल। तो ये इसलिए यहाँ पर भी आप देखिएगा कि आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, बक्सर से वहाँ सुधाकर सिंह बिल्कुल चले गए, जगतानंद सिंह के पुत्र हैं यह भी, और इनके भाई को लड़ाया जा रहा है, अजीत कुमार को लड़ाया जा रहा है, अजीत कुमार सिंह अधिकृत उम्मीदवार हुए हैं आरजेडी से, और इसी तरह से अशोक सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने सैंबल देकर के अलॉट कर दिया है, अशोक सिंह पूर्व विधायक एकदम वहां से लड़ने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सैंबल से, और इनके नॉमिनेशन की तिथि भी तय हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो और इसी तरह से अब यहाँ पर इस सीट पर कौन लड़ेगा जनसुराज से, इसकी इसका आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट प्रशांत किशोर करेंगे। यानी कि आप कहने वाले हैं, आप ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर आज जो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं उस पीसी में प्रशांत किशोर बड़ा ऐलान कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आखिर उनका उम्मीदवार रामगढ़ से कौन होगा। रवि जी बिल्कुल बिल्कुल, ये यहाँ पर आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट यहाँ पर हो जाएगा कि रामगढ़ में क्या होगा, और तरारी सीट पर जो उहापोह की स्थिति बची हुई है जो जनसुराज में, वह भी आज क्लियर। अच्छा, तरारी को लेकर भी प्रशांत किशोर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और बताएंगे कि तरारी में क्या कुछ होने जा रहा है। बिल्कुल, अब देखिए वहां पर वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है, लेफ्टिनेंट जनरल अवकाश प्राप्त हुए इसके सिंह का, तो यह कहीं ना कहीं टेक्निकल मामला फंस गया है। आप प्रदेश में वोटर नहीं है तो फिर आप कैसे लड़िएगा? बिल्कुल, तो यह तो टेक्निकल मामला, यह हमारा आपका मामला नहीं है कि इसको आप सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, और यह हो भी नहीं सकता है। अगर आप अब तक वोटर नहीं बने हैं तो यह अब लॉक हो गया है, यह लॉकिंग पीरियड है, वक्त कम है। नहीं, आप देखिए ना कि नॉर्मली बिल्कुल, अब यह चुनाव का डिक्लेरेशन 23 को परिणाम आएगा, 23 नवंबर को, तो यह लॉकिंग पीरियड है, इस पीरियड में आप नाम अपना ऐड। अच्छा, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में प्रशांत किशोर हड़बड़ी में गड़बड़ियां तो नहीं कर रहे हैं? क्या प्रशांत किशोर का तमाम दाव उल्टा चलता हुआ, उल्टा पड़ता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए निश्चित रूप से प्रशांत किशोर माने जो आपकी हवा आबो हवा चुनावी जिसको कहते हैं उसको जरूर टाइट कर सकते हैं वो, ठीक है, उसके उसमें वह महारत उनको हासिल है, ठीक है, उसमें वह पीएचडी प्राप्त है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन यह पेपरी पेपर में जो दस्तावेजी जो होता है खंगालना, वह कहीं ना कहीं उनके तरफ से लूफॉल्स हुआ है, तभी जाकर के इतना बड़ा, यानी कि दाव उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम जिक्र करेंगे इस वीडियो में मीसा भारती की। बीते दिन मीसा भारती ने रवि जी बड़ा बयान दे दिया था, क्या कुछ कह रही थी मीसा भारती? देखिए मीसा भारती लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी अध्यक्ष हैं उनकी बड़ी बिटिया है जी, और इस बार सांसद भी चुनी गई है। देखिए बराबर उनके परिवार पर आरोप लगता रहता है, परिवारवाद का और आरोप भी जीतन राम मांझी को लेकर के ही उनसे सवाल पूछा गया कि जीतन राम मांझी कहते हैं परिवारवाद पर, तो वही उस पर जब बोला गया कि दीपा मांझी को उम्मीदवार बनाने के संदर्भ में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने वही कहा कि लगता है कि उनके परिवार की वह पुत्रवधू नहीं है। अच्छा, क्योंकि वह दीपा मांझी जीतन मांझी की बहू नहीं है, यही कहा है मीसा भारती ने? बिल्कुल एग्जैक्टली यही, क्योंकि भाई जब परिवारवाद आप कह रहे हैं दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं तो जब बड़ा कटाक्ष इससे बड़ा तंज क्या हो सकता है, क्या हो सकता है कि जी? इसका मतलब कि वो पुत्रवधु नहीं है, क्योंकि आप तो परिवारवाद के खिलाफ, तो भाई आपको दूसरा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था, आपको परिवार से इतर वहां पर किसी को उम्मीदवार बनाना चाहिए था, वह तो आपने इमामगंज में नहीं किया, तो यह कहीं इसीलिए उन्होंने तंज कसा है कि लगता है कि वह उनके परिवार की नहीं।
लगता है कि वो उनके परिवार की नहीं है। मीसा भारती का इतना कहना था कि हंगामा मच गया है। देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे शराबबंदी की भी। क्या लगता है आपको रवि जी, क्या एक बार फिर से शराबबंदी पॉलिसी की समीक्षा होगी? देखिए निश्चित रूप से नीतीश कुमार जो एक तरह से कहा जाए ड्रीम प्रोजेक्ट था, बिहार में पूर्ण शराबबंदी और इसकी हर तरफ से इसकी तारीफ पूरे देश में, अब हवा निकल गई। लेकिन जो बीते दिन जी जिस तरीके से जो जहरीली शराब से जो मौतें हुई, है उसमें तो बहुत कहीं ना कहीं सरकार को इस पर सोचने पर बाध्य कर दिया कि कैसे जहरीली शराब जो है सो जो दिखता नहीं है बिकता है जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, तभी जो है सो शराबबंदी है कि छलावा है, यही प्रश्न हर जबान पर है। बिल्कुल, तो इसीलिए ना कह रहे हैं कि वो सब लोग कह रहा है कि ये होम डिलीवरी हो रही है और ये फिर बिकती नहीं है लेकिन बिकती है, जी। तो यह और इतने लोग मर रहे हैं। हाँ। अब तो एस्टेब्लिश फैक्ट, तो क्या लगता है शराबबंदी को लेकर के नीतीश सरकार बैकफुट पर आएगी, यू टर्न लेगी, फिर से खुल जाएगी शराबबंदी? देखिए नीतीश कुमार के रहते तो यह नहीं खुल सकती, नहीं खुल सकती, नहीं है खुल सकती है। लेकिन यह बात तो है, इतनी बात तो हम लोग नीतीश कुमार के बैकफुट पर नहीं आएंगे, नीतीश कुमार नहीं बैकफुट पर आएगी नीतीश सरकार, बिल्कुल बैकफुट पर नहीं आएगी। इसमें और कुछ इसको और कैसे इसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, कैसे मजबूत किया जाएगा और क्या हो सकता है, क्या बेहतरी के लिए हो सकता है? अब तो देखिए माने विपक्ष की ओर से लगातार यह कहा जा रहा है कि टाइप ऑफ क्राइम है ये। बिल्कुल बिल्कुल, तेजस्वी यादव का बयान आया था, उन्होंने साफ साफ कह दिया ये मृत्यु नहीं हत्या है, हत्या हो रही है नीतीश राज में, बड़ा बयान, हंगामेदार बयान दे दिया था। इसीलिए कह रहे हैं कि तो इसको सरकार को इसको रिव्यू करके इसमें और समीक्षा करनी चाहिए, करनी चाहिए, बदलाव करना चाहिए, तब्दीलियां लानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, कहीं कोई दो मत नहीं है। चलिए आखिर में हम जिक्र करेंगे बीपीएससी तैयारी 3.0 के रिजल्ट का। रवि जी क्या लगता है कब तक आ जाएगा बीपीएससी तैयारी 3.0 का रिजल्ट और देरी क्यों हो रही है, हम ये भी जानना चाहेंगे। देखिए ये बीते दिन इसके लिए परीक्षा हजारों की संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा दिए, बिल्कुल जुलाई में हुई थी परीक्षा 3.0 की। लेकिन अब तक इसका परिणाम नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं जो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके बीच में असंतोष की भावना घर कर गई है कि भाई अब जो विलंब हो रहा है तो इस लिहाज से तो विलंब नहीं हो रहा है, कहीं झोलझाल हो। बिल्कुल, अभ्यर्थी डरे हुए हैं रवि जी, बजाबता पूछ रहे हैं कि देरी के पीछे कोई गड़बड़ी तो नहीं है ना? अभ्यर्थियों के डरने का कारण भी है, यह समय समय पर यह दिखाई भी पड़ा है कि किस तरीके से झोलझाल और होता रहा है। तो यह स्वाभाविक तौर पर जो अभ्यर्थी जो रात दिन मेहनत से पढ़ रहे हैं, इतने कष्ट कर माने वो कम आर्थिक तंगी के बावजूद, तो यह तो निश्चित रूप से परेशान, डर जायज है, डर जायज है, डर जायज है। कहा यह भी जा रहा है कि छठ के बाद नतीजे आ सकते हैं, क्या आपको भी लगता है कि छठ के बाद आ जाएगा बीपीएससी तैयारी 3.0 का रिजल्ट? बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी क्या है रिजल्ट को, परिणाम को डिक्लेयर करने के लिए, यह तो बीपीएससी ही बेहतर बता सकता है कि या बीपीएससी को इसको आकर के सामने बोलना चाहिए था, उनके प्रवक्ता है कि भाई इस तिथि तक आ जाएगी, आप लोग जो भी अभ्यर्थी हैं जिन लोगों ने एग्जाम दिया है ट्वीट कर देना था, बस कुछ भी करना था, लेकिन करना बिल्कुल करना, क्योंकि सरकार की और बिहार लोक सेवा आयोग की यह जिम्मेवारी भी बनती है कि जब उहापोह की स्थिति अभ्यर्थियों में बनी हुई है तो आप उसको शांत करें और शांत करें। चलिए तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।